अपने आप में एक सुखद अनुभव है। 21वीं सदी की तेजी से बदलती हुई दुनिया में ये आयोजन करोड़ों लोगों का भाग्य बदलने की क्षमता रखता है। एक समय था जब हम फ्यूचर की बात करते थे तो उसका अर्थ अगला दशक या 20-30 साल बाद का समय या फिर अगली शताब्दी होता था। लेकिन आज हर दिन टेक्नोलॉजी में तेजी से होते परिवर्तन के कारण हम कहते हैं द फ्यूचर इज हियर एंड नाउ। अभी कुछ मिनट पहले मैंने यहां एग्जीबिशन में लगे कुछ स्टॉल्स देखे। इस एग्जीबिशन में मैंने उसी फ्यूचर की झलक देखी, चाहे टेलीकॉम हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर कनेक्टिविटी, चाहे 6G हो, AI हो, साइबर सिक्योरिटी हो, सेमीकंडक्टर्स हो, ड्रोन या स्पेस सेक्टर हो, डीप सी हो, ग्रीन टेक हो या फिर दूसरे सेक्टर्स, आने वाला समय बिल्कुल ही अलग होने जा रहा है और ये हम सभी के लिए खुशी की बात है कि हमारी युवा पीढ़ी देश के भविष्य का नेतृत्व कर रही है। हमारी टेक रिवॉल्यूशन को लीड कर रही है। फ्रेंड्स, आपको याद होगा पिछले वर्ष हम यहां 5G रोल आउट के लिए इकट्ठा हुए थे। उस ऐतिहासिक कार्यक्रम के बाद पूरी दुनिया भारत को हैरत भरी नजरों से देख रही थी। आखिर भारत में दुनिया का सबसे 5G फास्ट 5G रोल आउट हुआ था, लेकिन हम उस सफलता के बाद भी रुके नहीं। हमने 5G को भारत के हर नागरिक तक पहुंचाने का काम शुरू किया, यानी हम रोल आउट स्टेज से रीच आउट स्टेज तक पहुंचे। साथियों, 5G लॉन्च के एक साल के भीतर ही भारत में करीब 4 लाख 5G बेस स्टेशंस बन गए हैं। इनसे देश के 97% शहरों और 80% से ज्यादा पॉपुलेशन को कवर किया जा रहा है। भारत में पिछले एक वर्ष में मीडियन मोबाइल ब्रॉडबैंड उसकी स्पीड करीब करीब 3 गुना बढ़ गई है। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत एक समय था 118 से हम वहां पर अटके पड़े थे, आज 43rd पोजीशन पर पहुंच गए हैं। हम न सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं बल्कि
6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे यहां 2G के समय क्या हुआ था, शायद नई पीढ़ी को पता नहीं होगा, लेकिन मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा, वरना शायद मीडिया वाले उसी बात को पकड़ेंगे और किसी चीज को बताएंगे नहीं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारे कालखंड में 4G का विस्तार हुआ, लेकिन एक दाग भी नहीं लगा है। मुझे विश्वास है कब 6G में भारत दुनिया को लीड करेगा। और साथियों, इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड में सुधार सिर्फ रैंकिंग और नंबर से ही नहीं होते। इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड में सुधार ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ा देते हैं। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो स्टूडेंट को अपने टीचर से ऑनलाइन कनेक्ट होने में और आसानी हो जाती है। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो अपने डॉक्टर से टेलीमेडिसिन के लिए कनेक्ट करते वक्त मरीज को सीमलेस एक्सपीरियंस होता है। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो टूरिस्ट को किसी लोकेशन तलाशने के लिए मैप का इस्तेमाल करने की परेशानी नहीं आती। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो किसान और आसानी से खेती की नई तकनीक को सीख पाता है, समझ पाता है। कनेक्टिविटी की स्पीड और अवेलेबिलिटी सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही रूप से बड़ा परिवर्तन करते हैं। साथियों, हम हर क्षेत्र में पावर ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन पर विश्वास करते हैं। भारत में विकास का लाभ हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, भारत में संसाधनों का सभी को लाभ मिले, सभी को सम्मानजनक जीवन मिले और सभी तक टेक्नोलॉजी का फायदा पहुंचे, इस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। और मेरे लिए यही सबसे बड़ा सामाजिक न्याय है। नागरिकों के लिए एक्सेस टू कैपिटल, एक्सेस टू रिसोर्सेस एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हमारी सरकार की प्राथमिकता है। चाहे वो मुद्रा योजना के तहत कोलेटरल फ्री लोन्स की बात हो, या स्वच्छ भारत के टॉयलेट्स की, या जैम ट्रिनिटी से होने वाले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, इन सभी में एक बात कॉमन है, ये देश के सामान्य नागरिक को वो